हेलो फ्रेंड्स, मैं कबीरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे यहाँ ये आपका योद्धा 1200 गाड़ी आई है, जिसका चाबी लगाने पे डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रहा है। सिर्फ आपका चाबी लगाने पे बैटरी का अल्टरनेटर वाला लाइट आ रहा है और बाकी कोई भी लाइट नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग इसका फ्यूज और वायरिंग चेक करेंगे, जहाँ से प्रॉब्लम होगा तो वो मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका बोनेट खोलते हैं, बोनेट खोल के वहाँ पर एक मैक्सी फ्यूज लगा रहता है, उसको चेक करते हैं। तो आइए चलते हैं इसका बोनेट खोलने के लिए, आपको दिखाते हैं कहाँ से इसका बोनेट खुलेगा। इसका गेट खोलते हैं, पहले ये गेट खोलेंगे। जब ये गेट खुल जाएगा तो आपको यहाँ पर नीचे हटिए थोड़ा दिखाइए, ये यहाँ पर आपका बोनेट का दिया रहता है। तो इसको खींच दीजिए, ये खींचने से बोनेट कटने में आवाज़ करे और खुल जाएगा। सबसे पहले हम चाबी लगा के देखते हैं कि डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। देखिए चाबी हम लगा रहे हैं, इसके लाइट में दिख भी रहा होगा। चाबी इग्निशन ऑन कर रहे हैं तो खाली आपका अल्टरनेटर वाला लाइट जल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे चलिए और भी देखते हैं। तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। तो आइए आगे देखते हैं और कमेंट बॉक्स में हमें जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। तो इसका कोई भी लाइट नहीं जल रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी लाइटें दी रहती है डिस्प्ले में, लेकिन इसका सिर्फ आपका अल्टरनेटर जो बैटरी वाला है वही लाइट सिर्फ जल रहा है। तो इसके लिए हम लोग फिर चाबी को बंद करते हैं, ऑन करते हैं, देखते नहीं हो रहा है तो चाबी बंद करके काट के निकाल लेते हैं। उसके बाद बोनेट खोले हैं ऑलरेडी आपको, तो बोनेट की तरफ चलते हैं, उसको आपका फ्यूज मैक्सी फ्यूज जो है उसके दिखाते हैं। तो अब बोनेट को हम लोग खोलते हैं, देखिए वहाँ एक लॉक दिया रहता है, यहाँ पर जो आपका बोनेट लॉक जो होता है यही फंसता है, ये बोनेट लॉक है आपका। तो ये जाके इसमें फंस जाता है, जो ये वाला दे रखा है ये इसमें जाके फंस जाता है। उसके बगल में जो है ये वाला लॉक जो हम लोग उठाते हैं इसको खोलने के लिए, वो जाकर इसमें फंस जाता है। तो आपको देखिए यहाँ पर एक ये मैक्सी फ्यूज दे रखा है। तो पहले हम इसको निकाल के चेक करते हैं। तो इसको निकाल के चेक करने के लिए हमें तो अपना टूल्स की ज़रूरत पड़ता है, लेकिन हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं देखने के लिए। देखिए धुंधला थोड़ा लग रहा है, नहीं तो आपको क्लियर हो जाता। ठीक है, ये फ्यूज नहीं हुआ, फ्यूज होता तो यहाँ पर जो इसका फ्यूज उड़ा हुआ रहता है। तो ये फ्यूज नहीं है तो अभी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब बाएं गेट हम लोग खोल के फ्यूज बॉक्स देखेंगे इसका, कि फ्यूज बॉक्स में इग्निशन वाला कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। आइए तो इसका गेट खोलते हैं हम लोग, इसका हम लोग गेट खोल दिए। इसका फ्यूज बॉक्स इस डैशबोर्ड के नीचे लगा रहता है, तो इसके लिए हमें नीचे झुकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। आपको दिखाई देगा अभी, देखिए इसका ये फ्यूज बॉक्स आपको दिख रहा है, ये फ्यूज बॉक्स होता है। इसमें आपका पंद्रह एम्पियर वाला फ्यूज बॉक्स फ्यूज जो दिख रहा है उसको हम लोग निकाल के चेक करेंगे। तो ये आपका यहाँ से आराम से लॉक पे रहता है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये बगल में जो दिख रहा है वो ब्लैक सा वो रिले बॉक्स होता है, देखिए ये रिले वाला बॉक्स होता है सब। तो रिले भी हम लोग चेक करेंगे, लेकिन रिले इसमें है नहीं उसका डैशबोर्ड क्लस्टर मीटर का, तो हम लोग फ्यूज बॉक्स ही चेक करेंगे पहले। ये फ्यूज बॉक्स निकाल के, तो फ्यूज बॉक्स निकालते हैं, देखिए ये फ्यूज बॉक्स हम लोग निकाल लिए। इसमें देखिए ये फ्यूज है, ये आपका देखते हैं इसमें से कौन सा क्लस्टर मीटर का इस फ्यूज बॉक्स पे डायरेक्शन दे रखा है। देखिए पढ़ सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें टाटा मोटर सब डायरेक्शन दे रखा है, कोई भी अपने गाड़ी को खुद ही
चेक कर सकता है इस फ्यूज़ को। तो आपका ऊपर वाला जो दे रखा है पावर सॉकेट, कंप्रेसर, एसी, रेडिएटर फैन, ईसीयू और इग्निशन, तो ये पांच नंबर का जो दिखा रहा है ईसीयू और इग्निशन, क्योंकि ईसीयू इग्निशन, लेकिन मेरा क्लस्टर मीटर पे लाइट नहीं आ रहा है। तो ये क्रैंक, ये कॉम्बिनेशन स्विच और क्लस्टर मीटर, ये 15 नंबर का फ्यूज है। इसको हम लोग निकाल के चेक कर रहे हैं। ये 15 नंबर का फ्यूज जो है, ये यहाँ से चेक करते हैं हम लोग थोड़ा उजाला में करके कि ये फ्यूज है कि नहीं रियल में। तो आपको देखिए ये दिख रहा है, ये फ्यूज नहीं है। तो फ्यूज रहता तो बीच से कट रहता है। तो फिर हम दूसरी जगह कहीं चेक करते हैं। अब इसमें हम लोग 40 नंबर का इग्निशन देखेंगे, कहीं वो नहीं ना ख़राब हो गया जो इसमें दिख रहा है। तो ये देखते हैं 40 एम्पियर वाला फ्यूज, ये जो लगा है इसको चेक कर लेते हैं। तो इसका 40 नंबर वाला एम्पियर वाला फ्यूज ही ख़राब है, जिसको हम लोग चेंज कर दिए हैं 40 एम्पियर वाला फ्यूज। अब इस गाड़ी को हम ये लगा देते हैं कवर। कवर लगाने के बाद अब हम इग्निशन ऑन करके दिखाएंगे आपको कि लाइट। अब हम चाबी ऑन कर रहे हैं। देखिए चाबी ऑन करने से अब पूरी लाइटें क्लस्टर मीटर में जलने लगी। अब इससे ये क्लियर हो गया कि आपकी गाड़ी सही होगी। और जो वो एक लाइट दिख रहा है वो पार्किंग ब्रेक का है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है, इसीलिए जब हम हैंड ब्रेक भी छुड़ाएंगे तो वो भी लाइट चला जाएगा। तो अब ये आपका योद्धा गाड़ी जो है पूरा कंप्लीट हो गई। तो बस दोस्तों, अपनी गाड़ी का आप लोग भी इस तरह देखभाल कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।